अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं वकार हुसैन पाशा ब्लॉग और मैं हूं वकार हुसैन पाशा। और आपको मैं बताता चलूं कि दुनिया में दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर जो है वो लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज आपके सामने होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिपार्टमेंट्स आपको नजर आते हैं। दो तरह की सर्विसेज होती हैं, एक होती है प्रोडक्शन कंपनीज और एक होती हैं सर्विसेज की कंपनीज। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आपने कोई चीज़ बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक मार्कर मौजूद है और मैं मार्कर बनाता हूँ और उसको बनाकर बेचता हूँ, मैं बर्गर बना के बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या और भी कोई चीज़ बना के बेचता हूँ, तो मैं कोई यूज़ करता हूँ कोई चीज़ और प्रोडक्शन के इंडस्ट्री रन करता हूँ। और दूसरी जो इंडस्ट्री होती है वो होती है सर्विसेज की इंडस्ट्री। सर्विसेज की इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर जो है सिंपल सर्विसेज फ्राहम करती है, जिस तरीके से बैंक्स होते हैं, होटल इंडस्ट्री होती है, फ्लाइंग इंडस्ट्री है और बहुत सारी इस तरह की इंडस्ट्रीज जिसके अंदर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जाती लेकिन उसके अंदर सर्विसेज फ्राहम की जाती हैं। पूरी दुनिया में टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और उसी के ऊपर बहुत सारे मुल्कों की मीशत चल रही है, बहुत सारे मुल्कों का दारोमदार दाल रोटी उसी के ऊपर चल रही है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो अपने सहारा देने के लिए टूरिज्म का जो है वो सहारा लेते हैं और टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि सबसे पहले इस इंडस्ट्री के सिस्टम को समझा ही नहीं गया। अगर हम देखते हैं तो गिनती के चंद गिने चुने होटल जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो कि किसी चेन के तहत काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट पिक हो गया, किसी हो गया, या दूसरे जो बड़े इस तरह के होटल्स हैं जिसके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म के तहत काम किया जाता है। अच्छा, छोटे मोटे होटल जो हैं वो उनकी तादाद भरी पड़ी है। सबसे बड़ा वाकया जो आपने देखा कि आप इस वक्त ट्रेंड देख रहे हैं पूरे 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 ट्विटर के ऊपर, पूरे इंस्टा के ऊपर, अगर आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो है वो एक ट्रेंड चल रहा है कि बायकॉट मरी, बायकॉट मरी, बायकॉट मरी, बायकॉट मरी। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि जो मरी के लोग हैं जो वहाँ पर अपने होटल चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो भी शख्स वहाँ पर आता है उसके तमाम कपड़े उतार लिए जाएं, उसे तमाम एक एक पैसा ले लिया जाए। अभी आपने देखा कि हालात कितने ख़राब हुए जब मरी के अंदर ये हादसा पेश आया कि फोरकास्ट हो चुकी थी कि तूफ़ान आने वाला है बर्फ़ का, और जब बर्फ़ का तूफ़ान आया तो उसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे और अपनी जानों से चले गए। अपनी जानों से जब चले गए तो उसकी कुछ वजूहात भी सामने आई कि वहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है उसने उन अपने गेस्ट जो वहाँ पर आए थे उनके पास घूमने के लिए आए थे उनके साथ ऐसा बर्ताव किया कि एक जो अंडा मिल रहा है वो कम से कम आम रूटीन में अगर 20 रुपए का अंडा मिलता है, उसको अगर बॉयल करके बेचते हैं तो 30 रुपए का बेच दें, 40 का बेच दें। आम रूटीन में अगर आप जाते हैं, जैसे कि आप जून जुलाई में मुझे विजिट किया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने 50 रुपीज़ का वो अंडा लेकर खाया, बॉयल एग 50 रुपीज़ का लेकर मैंने खाया है, और अच्छी 50 रुपये का एक कप चाय का है और 100 रुपये का एक कप कॉफ़ी का नॉर्मल डेज में मिलता है। आप आते हैं सर्दियों के अंदर, जब सर्दियों के अंदर होता यह है कि मरी जो है वो ईजी टू एक्सेस प्लेस है, यानी अगर आप इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से जब मरी की तरफ सफ़र करते हैं तो हार्डली आप 2 घंटे में मरी पहुंच जाते हैं। अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो आप 1.5 आवर और हार्डली 2 आवर्स ऑलमोस्ट इट टेक्स कि आप मरी पहुंच जाते हैं, और मरी पहुंचकर आप जो है वो थोड़ा बहुत तफरी कर लेते हैं। वो हुआ यही कि जब आप देखते हैं जब पेशर कोई होती है कि बर्फ़बारी होने वाली होती है तो करीबो जवार यानी कि लाहौर से लेकर अराउंड जितने भी लोग हैं वो अपनी ट्रैवलिंग करते हैं और मरी पहुंच जाते हैं। ईजी टू एक्सेस, इसके लिए आपको कोई प्लान ज़्यादा नहीं करना पड़ता। लेकिन मरी वालों को चाहिए कि जब इस तरह के लोग उनके पास आते हैं तो वो दीदा दिल फ्रेश राह करते हुए बिक जाए कि भाई ये हमारे लिए आ रहे हैं, हमारे लिए कारोबार लेकर आ रहे हैं, बिजनेस लेकर आ रहे हैं। लेकिन मरी के लोगों की हालत इस तरह है, इस तरह इतनी ख़राब है कि आपने प्रीवियसली देखा, 2 साल पहले भी ये वाकया हुआ था, उन्होंने कराची की फैमिलीज के साथ क्या बर्ताव किया था, माओ बहनों तक की जो है चादरें सर से खींच ली थी, और एक दफ़ा इन्होंने यही जलालत की है। इसी जलालत की बेस पर डेफिनेटली हर एक शख्स यही चाहता है कि किसी तरीके से बायकॉट किया जाए। और जो लोग नहीं भी गए ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं गए मरी, लेकिन वो यकीन है मरी जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे, और आई विल नेवर एवर गो अगेन टू मरी, और अगर कभी गया भी तो मैं अपनी तमाम चीज़ें खुद लेकर जाऊँगा, आई विल नेवर स्टे, ताकि मैं उन लोगों की शक्ल ही ना देखना पड़े, उन लोगों से मुझे रबते की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी सर्विसेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो ख़त्म है। वो अगर आप मरी पहुंचते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं मरी में जाते हैं तो होता क्या है, आपको सबसे पहले जो है वो नीचे से गाड़ी मिलती है, अगर आप अपनी प्राइवेट करके जाते हैं बस या कोई टैक्सी, वो तो ठीक है वो आपको पहुँचा देंगे ऊपर तक, लेकिन अगर आप जो है वो एक
प्राइवेट वैन में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो छोटी वैगन जाती हैं, पीर बदाई अड्डे से जाती हैं, फैजाबाद अड्डे से जाती हैं, अगर आप वहाँ से ट्रेवलिंग करते हैं तो वो आपको यहाँ से जब लेकर जाएंगे ऊपर तो आपको 3 किलोमीटर नीचे उतार देंगे, क्योंकि मरी वालों ने ये वहाँ पर मोनोपोली की है, माफिया बैठा हुआ है, टैक्सी माफिया, जो वहाँ से फिर 3 किलोमीटर नीचे से आपको ऊपर लेके जाते हैं, उसके 300-400 रुपये वो आपसे चार्ज कर देते हैं। सबसे पहला टीका ये लगाते हैं आपको, ठीक है, जैसे वो टीका लगाते हैं तो दूसरा टीका आपको ऊपर जाकर पहुँच कर ये पता चलता है कि भाई अगर आपने होटल लेना है वहाँ पर तो होटल वाले आपको जो है वो कोई रेट लिस्ट नहीं है उनकी, आप होटल में दाखिल हुए कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई खाने की रेट लिस्ट नहीं लगी थी ना वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि अमल दखल है, ठीक है ना, तो आपको कोई होटल की भाई ए क्लास होटल है, ये बी क्लास होटल है, सी थर्ड क्लास होटल है, कोई अगर अच्छे से अच्छा होटल भी है तो उसके अंदर सर्विसेज ही नहीं है, अगर बाथरूम देखते हैं अटैच बात है, अटैच बात तो वह तो होता है हर रूम के अंदर, चंद जो रूम्स के अंदर नहीं देखा मैंने, अगर अटैच बाथ है तो उसके अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं है, कमोड सही नहीं है, प्रॉपर पानी सही नहीं है, गर्म पानी नहीं आ रहा, पैसे आपसे वो इतना चार्ज करते हैं, कम से कम मरे से मरा रेट जो है वो 3,000-4,000, और अभी आपने देखा कि वो 10,000-50,000 रुपए तक उन्होंने रूम चार्ज किया, किस तरीके से बिहेव किया गवर्नमेंट जो है उसके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो मरी तो जाने का प्रोग्राम भाई कैंसिल है मेरी तरफ से, और मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं अपने दोस्तों को खुद मरी लेके गया था, आप कुछ वीडियोस आप देख रहे हैं, कुछ जो है वो कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं जो खुद बहुत यहाँ पर आती जा रही हैं, तो ये जो वो पिक्चर्स हैं वो मरी की, जब हम दोस्त गए थे सारे और हम लोगों ने इन्जॉय किया था, लेकिन अब आई विल नेवर एवर रिकमेंड एनी बडी टू गो टू मरी। हाँ, अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है तो भाई सवाल चलें, नारायण चलें, कागान चलें, गिलगित चलते हैं, स्कर्डू चलते हैं, मारा जब्बा देखते हैं, फेरी मेडोज वगैरह देखते हैं, वहाँ पे एंजॉय करने चलते हैं, मरी की तरफ जाना बेकार है, ज़िंदगी में मरी जाने का नाम ले लीजिएगा, मरी का मुकम्मल बाइकॉट करेंगे, और मैं तो बाइकॉट अभी से शुरू कर चुका हूँ, आई विल नेवर एवर गो टू मरी, और आई होप कि आप भी रह जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आई है कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के अंदर, अस्सलाम वालेकुम।